लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और भाजपा और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर भविष्यवाणियां भी आना शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान से इतर इन भविष्यवाणियों में दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए 1984 में कांग्रेस द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। हालांकि एक बात यह भी है कि सच है कि इस तरह के ज्यादातर दावों की चुनाव परिणाम सामने आने के बाद हवा निकल जाती है। आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, जबकि वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा 2 ही सीटें जीत पाई थी। उस समय एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी 30 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई थी। इस चुनाव में भाजपा के रणनीतिकारों ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है और भाजपा के लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। लेकिन पहले चरण में 102 सीटें के लिए हुए मतदान के बाद लहर पूरी तरह भाजपा के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। कई राज्यों में उसकी सीटें पिछली बार की तुलना में कम होती दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान में उसको बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक ज्योतिषी द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार 84 का रिकॉर्ड टूट जाएगा और एनडीए 422 सीटें जीतेगी। यह रिकॉर्ड दशकों तक कायम रहेगा। वहीं एक और बाबा ने एनडीए को इतनी ही सीटें मिलने का दावा किया है। यदि इन दावों का हवा निकल जाता है तो लोगों का ज्योतिष और बाबाओं पर से भरोसा कमजोर हो जाएगा। हालांकि एक बात तय है कि 1984 का रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यदि एनडीए 400 पार हो भी जाता है तो वह सीटें भाजपा और अन्य दलों की ही होगी, जबकि 1984 में अकेले कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीती थी।